नमस्कार संत कृपा परिवार में आपनो हार्दिक स्वागत करो जो फरीथी ऑनलाइन शरण अंदर तमारो स्वागत छे। आज आपणे જોવાનું છે हिंदी ની અંદર ધોરણ 5 આપણે જોયું છે ઓફલાઈન જ્યારે ભણતા હતા ત્યારે આપણે ફરીથી આપણે રિવિઝન કરવાનું છે પુનરાવર્તન। વ્યાકરણ એક એવો વસ્તુ છે જેને આપણે સમજવાનું છે, યાદ રાખવાનું છે અને કાયમ માટે થોડું વાંચવાનું છે। તો આજે આજ હમ હિન્દી મે વ્યાકરણ મે જો શીખને જા રહે વો હે સંજ્ઞા। સંજ્ઞા કિસે કહેતે હૈ તો ગુજરાતી ની અંદર આપણે જોયું છે તો ચોક્કસ અમુક વસ્તુ હોય, સ્થળ હોય, આપણે અહીંયા પણ વ્યાખ્યા રૂપે સમજશું ચોક્કસ તમને ખ્યાલ આવી જશે। યહાં પે સંજ્ઞા કિસે કહેતે હૈ તો દેખો કિસી વાક્ય મે યહાં પે વાક્ય શબ્દ લિખા ગયા હૈ। કિસી ભી કોઈ ભી વાક્ય હો ઉસમે નિશ્ચિત, ઉસમે ક્યા હો નિશ્ચિત, તો સંજ્ઞા કિસે કહેતે હૈ તો ઉસમે કિસી ભી નિશ્ચિત યાની કે ચોક્કસ निश्चित नाम हो, याद रखने का है नाम हो, किसी भी नाम मान खाते करके हो, किसी भी वस्तु का हो, पालतू प्राणी का हो, यानी के पालतू और जंगली प्राणियों का हो, किसी भी वस्तु और स्थल हो। स्थल कैसे होंगे, धार्मिक स्थल हो, ये प्रसिद्ध स्थल होगा तो ऐसे स्थल हो, वस्तु किसी भी वस्तु हो और या पदार्थ हो, किसी भी कोई भी निश्चित पदार्थ हो तो वो निर्देश करता है उसे हम संज्ञा कहते हैं। यहाँ पे इतना ध्यान रखने का है चौकस नाम निश्चित उसका नाम होगा, स्थल होगा, वस्तु होगा या पदार्थ होगा, या तो नाम होगा, स्थल होगा, वस्तु होगा या पदार्थ उस वाक्य में छुपा होगा उसे हम वो निर्देश करता है उसे हम संज्ञा कहते हैं। यहाँ देखेंगे उदाहरण के द्वारा क्या कहे गए हैं। यहाँ पे उदाहरण दिए गए हैं, पहला है घोड़ा दौड़ता है, तो यहाँ पे लिखना है कि चौकस उसमें कुछ निश्चित नाम होता होगा, तो यहाँ पे जो घोड़ा लिखा है वो घोड़ा एक जाति है तो उसको हम क्या कहेंगे, ये संज्ञा है, घोड़ा एक संज्ञा है। आगे देखेंगे गाय चलती है, गाय क्या करती है, चलती है, लेकिन ये गाय है संज्ञा है। यहाँ पे मैंने बोला चौकस तो उसका निश्चित नाम है, स्थल है, वस्तु या पदार्थ हो। यहाँ पे टोकरी में शकरकंद है, टोकरी यानी कि टोपली, शकरकंद शकरियो तो यहाँ पे है शकरकंद, वो एक संज्ञा है शकरियो। और आगे देखेंगे तोता पेड़ पे बैठा है, यहाँ पे तोता है यानी कि पोपट, तोता है वो संज्ञा है। तो यहाँ पे हम और दूसरा हम उदाहरण के बारे में कि मैं कल अहमदाबाद गया तो अहमदाबाद एक स्थल है, मैं कल माता का मठ गया तो माता का मठ एक धार्मिक स्थल है, तो वो सब संज्ञा है। तो यहाँ पे लिखना है निश्चित नाम हो, स्थल हो, वस्तु हो या पदार्थ हो तो उसे हम संज्ञा कहते हैं, उसको निर्देश करता है उसे हम संज्ञा कहते हैं। आगे देखेंगे विशेषण के बारे में, तो संज्ञा का यहाँ पे रूप दिया गया है विशेषण। विशेषण किसे कहते हैं, गुजराती के अंदर आपने सीखी हो तो कोई वाक्य में अंदर कोई एक शब्द आवे छे, विशेषता दर्शावे छे, एक ए वाक्य ने अंदर कोई एक शब्द एवो होय ए वाक्य नो कोई विशेषता दर्शावे छे, सूचवे छे, એટલે વિશેષણ કહેવાય। અહીંયા હિન્દી માં જોશું સંજ્ઞા શબ્દ की विशेषता बताने वाले, तो देखो यहाँ पे लिखा है संज्ञा में जो शब्द है उसकी कुछ विशेषता सूचित करता है, यानी कि संज्ञा शब्द की विशेषता बताने वाले शब्द को क्या कहते हैं, विशेषण। यहाँ पे उदाहरण देखेंगे, यहाँ से घोड़ा है तो काला घोड़ा दौड़ता है, यहाँ देखो काला घोड़ा दौड़ता है। यहाँ देखो यह घोड़ा संज्ञा है लेकिन काला है उसका रंग सूचित करता है, तो यह विशेषण है, तो काला घोड़ा दौड़ता है। यहाँ पे देखो गाय चढ़ती है तो हम देखेंगे विशेषण के रूप में सफेद गाय चलती है। देखो यहाँ पे गाय तो चलती है लेकिन कैसी गाय है, सफेद, तो उसका विशेषण हुआ। आगे देखो यहाँ पे टोकरी में शकरकंद है तो उसमें विशेषण बनाना हो तो कैसे बनेंगे, टोकरी में लाल रंग के लाल शकरकंद है। देखो यहाँ पे टोकरी विशेषण, संख्यावाचक विशेषण वो बाद में
समझना है और अपनी काफी में यानी नोटबुक में लिख।